कौन से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ से जनरल हिंदी के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह हंसता है, प्रयुक्त वाक्य में हंसना क्या है? प्रयुक्त वाक्य में हंसना क्या है? तो आप देखेंगे यह एक अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। जैसे कि आप अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें जब आप क्या और किसको का क्वेश्चन करते हैं तो कुछ मिलना चाहिए। जैसे मान लो वह खेलता है, क्या खेलता है? तो इसमें कुछ खेलेगा। जैसे मान लो कहा जाए कि वह क्रिकेट खेलता है तो वह क्या खेलता है? तो उत्तर आपका आएगा क्रिकेट। उत्तर क्या आएगा? क्रिकेट। अब जैसे मान लो आप कहते हैं वह राम को फल देता है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, क्या का उत्तर दो क्वेश्चन करोगे तो फल मिलेगा, और किसको का क्वेश्चन करोगे तो क्या मिलेगा, किसको का क्वेश्चन करने पर आपको राम मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जब जब क्या और किसको का क्वेश्चन वर्ब से करने पर हमें ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट जैसे क्या का क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, कर्म मिलेगा, और किसको का क्वेश्चन करोगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, यानी कर्म दो प्रकार के होते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि वह हंसता है, हंसने से जब हम क्या हंसता है, किसको हंसता है, तो इसके बदले में हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, इसलिए हम इसे कहेंगे अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो अधिकांश, देखिए ये गलत लिखा हुआ है, अधिकांश ऊपर ये जो लिखा है ये गलत है। सही क्या है? आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि गलत है क्योंकि आप यहाँ देखते हैं अनुगृहीत होता है, गृहीत नहीं होता। उत्तरोत्तर, यहाँ पर आप देखेंगे उत्तरोत्तर, यहाँ भी आधाता होना चाहिए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अधिकांश सिटी वाला सा, तो ये भी गलत है। तो आपका सही उत्तर आत्मशुद्धि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संबोधन के समय जिसे संबोधित किया जाता है उसके बाद क्या होता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद अल्प विराम लगता है संबोधन। जैसे कहा जाए हे राम, तो राम के बाद क्या होगा? जैसे हमने कहा हे राम, तो इसके बाद क्या होगा? हे राम, फिर अल्प विराम, और फिर इसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे आगे। तो ये अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तारक विराम होता नहीं है, पूर्ण विराम होता नहीं है, लाघव विराम होता नहीं है, तो अल्प विराम यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ ऊपर से प्रेम दिखाना अप्रत्यक्ष में हानि पहुंचाते रहना है? यानी ऊपर से प्रेम दिखाना, यानी आप देखेंगे कि ऊपर से कोई आदमी प्रेम दिखा रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचा रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि जड़ काटते जाना और पानी देते जाना। पानी देते जाना मतलब दिखावा करना कि पानी दे रहे हैं, और जड़ काटते जाना यानी अंदर से उसे अप्रत्यक्ष रूप से उसे हानि पहुँचाते रहना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विधानवाचक वाक्य है? ये देखिए, काश मैं जवान होता। विधानवाचक वाक्य वो होते हैं जो कि सामान्य सी मीनिंग देते हैं, उसमें अलग से कुछ मतलब सामान्य सा अर्थ उसका होता है। वर्ब का ऐसा करना, वर्ब जो है वो सामान्य सा अर्थ देती है, ऐसी वर्ब जो सामान्य कार्य को व्यक्त करती है। तो इसमें मुगल शासकों में अकबर श्रेष्ठ था, यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह निश्चित नहीं कि वह कब आएगा। इसमें देखिए दो तीन दो शब्द हैं, दो वाक्य हैं, जो जैसा बोएगा वैसा काटे, इसमें भी, और इसमें काश मैं जवान होता, तो इसमें संबोधन वगैरह का प्रयोग किया गया, लेकिन ये एक साधारण सी वर्ब है। मुगल शासकों में अकबर श्रेष्ठ था, इसलिए इसे कहा जाएगा विधानवाचक वाक्य। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से मुहावरा थैली का मुंह खोलना, थैली का मुंह खोलने का क्या अर्थ है? तो थैली का मुंह खोलना मतलब खुले दिल से व्यय करना, यानी थैली का मुंह हमने खोल दिया, यानी सब जितना जिसको चाहे वो ले सकता है, खर्च कर सकता है। चुगली करना हो नहीं सकता, दाल में काला होना हो नहीं सकता, नमक अदा करना ये भी नहीं हो सकता। तो थैली का मुंह खोलना मतलब होता है खुले दिल से बेकर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से प्रफुल्ल का विलोम शब्द कौन सा है? प्रफुल्ल मतलब होता है क्या? प्रसुल्ल, प्रफुल्ल मतलब होता है प्रसन्न, इसका मतलब होता है प्रसन्न। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा? हर्षित हो नहीं सकता, आनंदित हो नहीं सकता, प्रसन्न हो नहीं सकता, तो म्लान, विलोम। जब भी आप देखो तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और तब आगे क्वेश्चन करो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन, ऊपर से नीचे लाना। तो ऊपर से नीचे लाने का मतलब होता है कोई चीज़ है ऊपर से हम नीचे, तो मतलब अवरोहण,
मतलब नीचे उतारना होता है। ऊर्ध्वगामी माने ऊपर जाना, रोहण माने ऊपर जाना, औरस माने इसका औरस मतलब वैसे पुत्र होता है, पर ये अवरोहण सबसे सटीक है, तो इसलिए यह उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। हर्षा को अपने सौंदर्य पर गौरव है, यहाँ देखेंगे गौरव शब्द आया, गौरव नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, इसलिए गलत है। ठीक है, मैंने उसकी बात पर परेशानी की नहीं होगा, मैंने उसकी बात पर नाराजगी व्यक्त की या और कुछ हो सकता है। सागर अधिक गहरा है, अधिक यहाँ नहीं होना चाहिए, सागर गहरा है, अधिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। आपने नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर खो दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से ला उपसर्ग का प्रयोग कर कौन सा शब्द बनाया गया है? तो सबसे पहले उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो कि शब्द के पहले आता है, जैसे यहाँ पर ला जवाब या ला और प्लस जवाब ये लिखा हुआ है, ला प्लस जवाब आपका यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप ललित, ये ऐसा कोई शब्द नहीं होता कि अब यहाँ जवाब, देखिए जवाब के पहले क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। प्रत्यय क्या होता है? बाद में लगता है, यानी वाक्य के बाद में लगे तो प्रत्यय है, अब वाक्य से पहले लगे तो उपसर्ग है। लाल रंग, अब यहाँ लाल और रंग, लाल मतलब एडजेक्टिव हो जाएगा यानी विशेषण, रंग माने विशेष हो जाएगा। रसगुल्ला, तो ये भी ऐसा नहीं हुआ, ला जवाब सही हो जाएगा, तो ये उत्तर आपका हुआ सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आनंद अतिरेक का संधि विच्छेद कौन सा है? तो आनंद प्लस अतिरेक यही पहला हो जाएगा, आनंद प्लस अतिरेक, यानी यहाँ पर आप देखेंगे छोटा आ छोटा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे आप देखते हैं बड़ा हो जाएगा, यहाँ आनंदा अतिरेक होता नहीं, आनंद दतिरेक होगा, नहीं आनंदा अतिरेक होगा, इसलिए आपका क्वेश्चन पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तिरस्कार बोधक अव्यय है? तिरस्कार, तिरस्कार अब हा हा मतलब खुशी व्यक्त करना, वाह माने बहुत अच्छा, और अच्छा मतलब अच्छा, धिक माने क्या होता है? तिरस्कार, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहाँ मैं नाथ, ऐसे आप देखते हैं कि जब तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा था धिक, माने तिरस्कार किया था उनका, तो फिर देखिए तुलसीदास कितने ग्रेट हो गए। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, यानी सही अर्थ भेद का चयन आपको करना है। तो ब्याज माने सूद होता है, ये आप जानते हैं, और ब्याज मतलब बहाना, यानी पहला ही क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 हो जाएगा आपका 13 क्वेश्चन का। सूद माने ब्याज, ब्याज मतलब सूद, और ब्याज मतलब बहाना। अगला क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से दिया गया वाक्य किस कारक का उदाहरण है? गुरु को नमः नमस्कार, यानी को शब्द आता है तो आप कहोगे द्वितीया से, द्वितीया ऐसा नहीं होता, संप्रदान कारक होगा चतुर्थी, क्योंकि नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम, यानी नमस्कार करने में आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी विभक्ति मतलब संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? अब यहाँ पर पुल्लिंग है, भूख क्या है? भूख पुल्लिंग नहीं है, भूख क्या होती है? लगता है कि लगती है, तो भूख लगती है, पहले ही शब्द पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। गाना गाता है, गाना गाया जाता है, कृत्य किया जाता है, बहाव होता है, तो भूख लगती है, यानी यही शब्द स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन, ये पैसेज पर डिपेंड है, जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो पैसेज को पढ़ने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ देखेंगे उपर्युक्त तो गद्यांश के अनुसार व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो क्या विज्ञान भस्मा शुरू हो जाता है? विज्ञान भस्मा शुरू हो जाता है, ये विज्ञान यहाँ पर सही होगा। जब आप इस पैसेज को पढ़ोगे तो यहाँ पर सीधे से लिखा हुआ है कि क्या भस्मासुर का हाथ बन जाता है, क्या विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर क्या बन जाता है, यानी विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर बन जाता है, तो यहाँ पर ये विज्ञान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। 17 उपर्युक्त तो गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन पूर्णतया सत्य है? तो आप इसको भी पैसेज पढ़ने पर आप पाओगे कि अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है, तो इसको भी सीधे सीधे आप यहाँ देखोगे कि यहाँ लिखा हुआ है ये अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी आज ये पूरा पूरा सेम टू सेम यहाँ पर लिखा हुआ आस्थावान नहीं है, यहाँ तक है। तो पैसेज कुछ खास कठिन नहीं होते हैं, बस ये है कि हड़बड़ाहट में आप गलती ना करो, ये मायने रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखो पर गद्यांश के अनुसार आज का मानव, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए इसलिए संकालु है क्योंकि क्या है? विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। वह कैसे, किससे भयभीत है? जो विज्ञान की भौतिक विध्वंसक शक्तियां हैं उससे वह भयभीत है, तो ये पैसेज में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 भी पैसेज पर डिपेंड है, एक ही पैसेज को बार बार दिया गया है, आप परेशान, एक पैसेज अच्छे से पढ़ लो आपके 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्षुद्रता का पर्यायवाची क्या होगा? क्षुद्रता मतलब
क्षुद्रता मतलब तुच्छता हो जाएगा, अस्तित्व होगा नहीं, उच्चता होगा नहीं, तो विनम्रता भी नहीं, और तुच्छता मतलब जैसे तुच्छ व्यक्ति होते हैं, क्षुद्र व्यक्ति होते हैं, ये तो क्षुद्रता का तुच्छता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार मानव विज्ञान को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो अगर हम नैतिक आत्मिक मूल्यों का विकास करें तो इसी से रोक सकते हैं, क्योंकि नैतिक मूल्य के द्वारा ही, नैतिक आत्मिक मूल्यों के द्वारा मानव को भस्मासुर बनने से रोका जा सकता है, अन्यथा उसके अंदर लालच, भौतिकता की जो दौड़ है इसमें वो बहुत तेजी के साथ अगर भागेगा तो वह अवश्य रूप से भस्मासुर बन जाएगा। नैतिक और आत्मिक मूल्यों को विकसित करके इसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों ये थे हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि DSSB में फर्स्ट पेपर में आए हुए थे। अब आगे भी हम इसी तरह से एक एक टॉपिक के जो क्वेश्चन, एक तरह से ये जो क्वेश्चन है इनका हम देख लेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और उसी के अनुसार तैयारी करिए। DSSB, PGT और TGT की वैकेंसी आने वाली है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इसको आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।